फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे सलमान खान ने कही ये बात। अनुपम खेर ने किया खुलासा। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज होने के साथ ही चारों तरफ खूब तारीफें बटोरी हैं। इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज हुए 16 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद सेलेब से लेकर आम आदमी तक ने इसकी जमकर तारीफ की है। बता दें कि बीते दिन बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ की थी। ऐसे में अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी अनुपम खेर की फिल्म देख ली है। इस बात का खुलासा खुद अनुपम खेर ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान किया है। अनुपम खेर ने खुलासा करते हुए बताया कि सलमान खान ने फिल्म देखने के बाद मुझे कॉल किया था और फिल्म की सफलता के लिए बधाई भी दी। एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने उन सेलेब्स के बारे में बात की जो फिल्म देखने के बाद उनके पास पहुंचे। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि सलमान खान ने भी मेरी फिल्म देखकर मुझे फोन किया और मुझे बधाई दी। अब जाहिर सी बात है कि सलमान खान और अनुपम खेर ने एक साथ बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। ऐसे में इन दोनों कलाकारों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। वहीं ये दोनों कलाकार अपने मन में एक दूसरे के लिए काफी सम्मान भी रखते हैं। तो सलमान खान का इस तरह अनुपम खेर को कॉल करके बधाई देना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं अगर इस फिल्म के अभी के कलेक्शन की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर लगभग 217 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई द कश्मीर फाइल्स ने कर ली है। वहीं कमाई का आंकड़ा अभी थमा नहीं है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है।